हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग टैली में यूनिट बनाएंगे। तो यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स मापने की इकाइयाँ होती है, जैसे केजी होता है, पेयर होता है, पीस में होता है, ग्राम्स में भी हो सकता है। तो इन सभी को मापने की इकाइयाँ को यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये सब बनाना हमें ज़रूरी है कि टैली में। तो आइए, ये कैसे बनाना है टैली में, तो ये सीखते हैं हम। तो ये देखिए, ये हमने फर्म ओपन किया हुआ है SRM बाज़ार। तो ये बनाते हैं। तो बनाने से पहले आइए आपको एक इनवॉइस भी दिखा देते हैं, बिल भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये सर्वन ट्रेडिंग से परचेज किया हुआ है SRM बाज़ार ने, जिस पे हमने काम करना है। तो ये टॉमी फ्रेम है, तो 5 पीस है, या यूनिट किस में? पीस में है, ठीक है ना। अब दूसरा बिल देखिए, ये वाला हमारा पेयर में है, ठीक है ना। पेयर क्या होता है? जोड़ा होता है ना, कुछ चीज़ डजन में भी बेचा जाता है। डजन में 12 पीस होते हैं, पेयर में 2 पीस होते हैं, एक पेयर में 2 पीस, एक डजन में 12 पीस, हाफ डजन बोलेंगे तो 6 6 पीस होता है। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के और भी कई यूनिट्स हैं। तो इसे हमने टैली में कैसे बनाना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, फिर इसमें आ गया यूनिट ऑफ मेज़र आ गया, इसमें क्लिक करना है, फिर इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल आ चुका है। यहाँ पे हमने लिखना है पीस, और यहाँ पे पीसीज, यहाँ पे पीस पैक पीसीज ऐसे आएगा, और यहाँ पे डेसिमल में 1 कर सकते हैं, ये हो गया ओके। फिर दूसरा हमारा होगा पेयर, पेयर पेयर्स, तो यहाँ पे PRS पेयर्स, तो ये 2 में ओके कर दिया। ये हमारा हमने 2 यूनिट बना लिया है। तो अब एक इस आइटम भी बनाना पड़ेगा, 2 आइटम बनाएंगे, एक पीस के साथ बनाएंगे और एक पियर के साथ, मतलब ठीक है ना। एक आइटम पियर में खरीदा बेचा जाएगा और एक आइटम पीस में खरीदा बेचा जाएगा, और उसको हम पीस में खरीद के पियर में भी बेच सकते हैं, और पियर में खरीद के पीस में भी बेच सकेंगे। तो वो देखिए, इसके लिए हमें फिर जाना है इन्वेंट्री इन्फो, यहाँ पे स्टॉक आइटम, ये देख सकते हैं आप, स्टॉक आइटम्स यहाँ पे क्रिएट करना है, क्रिएट। तो यहाँ क्रिएट करने से पहले एक F12 कीजिए, और ये देखिए यूज अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्पेक्टिकल फ्रेम आ गया, एक कुछ बना हुआ है पहले, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं अभी ठीक है, नहीं है, तो ये प्राइमरी रहेगा। तो यहाँ पे यूनिट हमारा पेयर में आएगा, अल्टरनेट पीस करना है यहाँ पे,
तो जहाँ पे दो पीस हो तो वहाँ पे वन पेयर हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसे GST यस कर सकते हैं, उस पे GST की जो भी डिटेल वगैरह वो भरनी है, टैक्स वैल्यू पे लगेगी ये कि टैक्सेबल बनेगा, और यहाँ पर 12% टैक्स है इस पे गुड्स गुड्स से रिपोर्टिंग, मतलब जो वो किस में आए, तो ये पेयर पे आए, इसको हम इसको करते हैं स्पेक्टिकल लेंस। ठीक है, लेंस कर दिया मैंने, तो हम यहाँ पर आ चुके थे, यहाँ पर पेयर पेयर से। अब शुरू से बता देता हूँ, आइटम पे स्पेक्टिकल लेंस नाम लिख दिया, अंडर प्राइमरी में करना है, यूनिट हमने पेयर सेलेक्ट कर लिया, जहाँ पे दो पीस हो उसका वहाँ पे एक पेयर कहलाएगा, एक पेयर माना जाएगा। तो इसमें GST एप्लीकेबल है, सेट ऑर्डर डिटेल में यस किया, और उसमें बस हमने टैक्स का परसेंटेज डालना है, कितना परसेंट टैक्स लगेगा इसके अंदर, और HSN कोड डालना है। ये देखिए, हम HSN कोड नहीं है, ये गुड्स किया, पेयर पेयर्स किया, फिर इसके बाद इसको करना है सेव। ये हो गया हमारा, अब एंट्री डालते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में गए, यहाँ पे F9 करेंगे तो ये परचेज वाउचर खुलेगा, ऑलरेडी ओपन ही था, तो F2 करके इसको डेट सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं हमें ये देखिए पेयर वाला बिल है, 2/7/2017 का डेट है इसकी, तो 2/7, ठीक है, F2 करेंगे तो ये डेट यहाँ पे जो है वो डेट आ सेलेक्ट हो जाएगी। और सप्लायर का इनवॉइस नंबर सब ये है 1102 इनवॉइस नंबर, और इस पे यही आएगा सर्वन ट्रेडिंग से एंटर एंटर करना है। ये यहाँ पे PUR का मतलब परचेज अकाउंट है, इसको Alt C से करेंगे तो ये देखिए परचेज, Alt C किया और ये लेजर क्रिएशन सेकंड में चला जाता है Alt C करने से। तो ये नेम परचेज किया हमने, ये अंडर परचेज अकाउंट्स के लिया, फिर इन्वेंट्री यस किया, तो GST वगैरह नो ही करेंगे, ये गुड्स है, एंटर करके इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे स्पेक्टिकल लेंसेज, तो स्पेक्टिकल लेंस कितना है हमारा, एक है, इसको एंटर करेंगे, फिर इसको करेंगे हम 100 से। ये देखिए अब 1 पेयर 100 रुपीज़ प्राइस है, 100 रुपये, तो 100 रुपये ही बन गया उसका, ठीक है ना। 1 पेयर का मतलब पीस तो दो बन गए ना, दो पीस का रेट है 100 रुपये, और 100 रुपये ये लग गए हैं। अगर मान लीजिए उसने हम मान लीजिए अगर ये होता आधा, मतलब अगर यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे PCS, एक पीस, ठीक है ना, तो ये आधा बन जाएगा, 50 रुपीज़ बन जाएगा ना। ये देखिए 1 पीस कितना होता है, हाफ पेयर कहा जाता है उसे, आधा पेयर बोला जाता है, तो ये हाफ लग गया, और उसके पैसे भी ऐसे 100 रुपीज़ लग चुका है। तो अब हम वही यूनिट डालेंगे जो परचेज बिल के ऊपर है, ये आप देख सकते हैं, ये पेयर वाला बिल है, स्पेक्टिकल लेंसेज 1 पेयर, 1 पेयर 100 रुपीज, स्पेक्टिकल लेंसेज 1 पेयर 100 रुपीज़, और उस पे ये टैक्स लग जाएंगे 6-6% 6-6 रुपये, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं 112 रुपये बन जाएगा, 100 रुपीज़ के ऊपर 6-6 रुपये टैक्स लग के 112 बन जाएगा ये यहाँ पे। सी एंटर
एंड ऑफ लिस्ट CGST करना है, फिर SGST सिलेक्ट करना है, फिर एंटर एंटर करके ये लास्ट में ऑप्शन आ गई, तो करना है इसे यस। ठीक है, अब अकाउंट देखना हो तो सर्वेंट ट्रेडिंग कंपनी का कैसे देखेंगे हम, ये डिस्प्ले पे गए, फिर अकाउंट बुक्स में गए, फिर ये लेजर में जाना है, तो यहाँ इसके बाद हमने ये इसे नीचे करके सेलेक्ट करके एंटर करना है। तो ये हमने 2/7/17 को सर्वन ट्रेडिंग से गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, ठीक है ना। वन पेयर एक वाउचर नंबर 1 है, 112 के हिसाब से, तो यही वाला है बिल, सेम सेम है। अब इसको ओपन करके इसका प्रीव्यू देखना है, तो बिल का कैसे देखेंगे, ये हमारा लेजर अकाउंट खुला हुआ है, तो ये वाउचर सेलेक्ट है, इसको करेंगे एंटर, फिर यहाँ पे करना है ऑल्ट पी, तो ये प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास, तो राइट हैंड पे ये देखेंगे नो प्रीव्यू प्रिंट लैंग्वेज, ऐसे ये कुछ सेटिंग वगैरह होती है प्रिंटिंग की, तो हमने अभी प्रिंट की ऑप्शन आ गई, तो इसको यहाँ करना है यस। तो ये देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है हमारा, अब इसको बड़ा करके देखना है, तो ऑल्ट जेड करेंगे, तो ये हमारा पूरा दिखाएगा, ये इनवॉइस आ गया है, ये देखिए सर्वन ट्रेडिंग से, ठीक है, परचेज का इनवॉइस है ये, तो ऐसे जब आपके पास पेयर में कोई प्रोडक्ट आए, तो अगर उसकी परचेज की एंट्री डालनी हो तो आप लोग ऐसे परचेज की एंट्री डालेंगे। तो ये हो गया, अब हमें एक पीस में भी एंट्री करेंगे, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए स्केप, फिर स्केप, फिर स्केप, इस यहाँ इसको थोड़ा इस बिल की जो क्वांटिटी है इसको हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, एंटर करने पे बिल चेंज हो जाता है, ये देखिए एंटर एंटर करके ऐसे सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लेजर का बैलेंस 11,200 रुपये उसके देने हैं, अब हमने क्रेडिट मतलब पैसे देने हैं, तो ऐसे एंटर करेंगे तो इसमें हम मॉडिफाई भी कर सकेंगे बिल, तो ये मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अब फिर वन था, फिर वन लिख के एंटर एंटर किया, एंटर 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 करते जाएंगे, तो लास्ट में ये फिर ये देखिए एज इट इज़ वही हो गया। तो इसका मेरा ये मतलब है कि आप यहाँ लेजर अकाउंट से भी बिल को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्केप स्केप करके बाहर आ गए, तो ये बिल की हमने एंट्री कर ली है। अब हमारे पास एक और हमने गुड्स खरीदा है, किससे, सर्वन ट्रेडिंग कंपनी से, ये तो पेयर वाला बिल तो हो गया, ये आ गया हमारा पीस वाला, ठीक है। टॉमी फ्रेम खरीदा है हमने 5 पीस 1500 के हिसाब से, ठीक है ना, टैक्स इस पे 6-6% ही है दोनों, CGST SGST। अब इस बिल की एंट्री कैसे करें हम, आइए आपको इस बिल की एंट्री सिखाता हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास यूनिट बना होना चाहिए, ये पीस पीस हमने बना लिया था, पेयर और पीस एक साथ ही बना लिया था, तो उसके बाद हमारे पास होना चाहिए ये आइटम। अब ये आइटम क्रिएट कर लेते हैं, हमने अकाउंट इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, फिर स्टॉक आइटम पे यह करना क्रिएट है, या फिर टॉमी फ्रेम किया तो स्पेक्टिकल्स फ्रेम ग्रुप में जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ हमने सेलेक्ट करना है पीस, क्योंकि ये पीस में ही बेचेंगे, इस पे नोट एप्लीकेबल आएगा, क्योंकि ये हमने हमेशा पीस पीस में ही खरीदना है और पीस में ही बेचना है, यहाँ से यस करेंगे। और ऑन वैल्यू ये टैक्सेबल है, ये 12% टैक्स लगेगा, एंटर करके ऐसे इसको करेंगे सेव, ये हमारा
स्टॉक आइटम, मतलब जो माल खरीदेंगे बेचेंगे वो आइटम हमने क्रिएट कर लिया। अब इसकी परचेज में एंट्री कैसे करनी है, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ एंटर करेंगे, फिर ये परचेज वाउचर ही खुला हुआ है, ये देखिए डेट भी यहाँ सेलेक्ट है। अगर मान लीजिए दूसरा और कोई वाउचर खोलना है तो ये देखिए शॉर्ट F8 बना हुआ है सेल्स, तो F8 दबाएंगे तो ये सेल्स का ऐसे वाउचर खुल जाता है वाउचर। तो हमने सेल्स का नहीं खोलना, हमने अभी तो फिलहाल परचेज की एंट्री डालनी है, तो यहाँ से ऐसे माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे सबसे पहले, ये हमारा सप्लायर है जिससे हमने माल खरीदा है, इसका बिल नंबर है 101 101। तो बिल की डेट कितनी है, 2/10/2017। तो अभी ये मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये मेरा जो चल रहा है ना एजुकेशनल मोड पे चल रहा है, तो यहाँ पे ये मैं ये वाली डेट पहले 2 दिन की तो डेट ले लेता है, नहीं यहाँ से नहीं, 2/10 F2 करके 2/10 ले लिया, ठीक है। यहाँ जो एजुकेशनल मोड पे हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं पहले 2 दिन, बस हर मंथ के 1 और 2 तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2/10 हमारा हो गया, फिर यहाँ से ये एंटर करने के बाद ये देखिए पार्टी अकाउंट नेम पे सर्वेंट ट्रेडिंग आ गया, फिर एंटर एंटर करते जाएंगे, फिर ये परचेज अकाउंट यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, तो आइटम TO जब लिखेंगे ना नेम ऑफ आइटम पे TO, तो ये टॉमी फ्रेम आ गया, यहाँ पे एंटर करना है। तो अब बिल पे देखेंगे ना कितना हमने खरीदा है आगे, तो ये टॉमी फ्रेम यहाँ ये तक सिलेक्ट कर लिया, ये एचएसएन कोड जो होता है वो हमने ऑलरेडी पहले से टैली में फीड किया हुआ है, वो अपने उठा लेगा। तो ये है क्वांटिटी कितना है, 5 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5। ये पीस पे हमने जब आइटम क्रिएट किया था वहाँ पे सेटिंग की थी कि इसकी पीस में ही होलसेल परचेज, तो ये हम परचेज में इतना हो गया, तो इसका रेट कितना है, 1500 रुपये। ये देखिए ये 1500 रुपये है, तो यहाँ पर 1500 लिखेंगे, 7500 बन गया। ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ये आ गया 7500 रुपये आ गया, ठीक है। मतलब पाँच पाँच को 15 से अगर गुना करेंगे तो 7500 रुपये आ जाएगा। अब इसके बाद लगना क्या है, टैक्स लगने हैं 6-6%। फिर यहाँ से करेंगे एंटर, अगर ये देखिए एंटर किया एंटर किया, अगर यहाँ से भी अगर आपसे भी एंटर हो जाए तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है 7500 रुपये। अब यहाँ टैक्स लगाना रह गया है गलती से, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एंटर कर दिया, तो वापस जाने के लिए हम बैक स्पेस दबाएंगे, तो यहाँ से टैक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, ये CGST सेलेक्ट किया हमने, फिर यहाँ पे SGST सेलेक्ट करेंगे, तो आप टैक्स भी टैली करके देखना है आप लोगों ने कि इस टैक्स सही लगा है, देखिए 450 450 और ये 8400 रुपये बन जाएगा, और ये देखिए 450 450 ये 8400 रुपये लग गया। अब इसको एंटर करके एन देखिए ये सेव हो गया है। ओके, तो आपने अभी पीस में भी बिल की एंट्री डालनी सीख ली है, परचेज की बिल की एंट्री कैसे करनी है, अगर पेयर में हो तो पेयर की एंट्री भी सीख ली है। तो एक बार फिर चलिए लेजर अकाउंट्स देख लेते हैं, क्योंकि लेजर अकाउंट ही सबसे मेन ही होता है, क्या पैसा लेना क्या पैसा देना वो तो लेजर अकाउंट से ही पता चलेगा ना। ये डिस्प्ले पे गए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है मुझे पता है, बोरिंग लगी होगी, पर कोई बात नहीं, अगर कुछ सीखना है तो बोर तो होना ही पड़ता है, और ये जो अकाउंटिंग जब सीखते हैं ना तब लगता बोरिंग ही है, पर जब आप काम करने लग जाएंगे ना, जब पैसे कमाने लग जाएंगे तो ये तो एक गेम की तरह लगता है, बहुत मज़ेदार है जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। स्टडी के टाइम बहुत बोरिंग है, काम करते हुए तो आप पूरा इंजॉय करेंगे आप। फिर यहाँ अकाउंट बुक्स में गए एंटर किया, लेजर में गए फिर एंटर किया, तो इसके बाद ये देखिए सर्वन ट्रेडिंग को किया एंटर, अभी ये देखिए इसका बैलेंस जो दिखा रहे हैं, तो 1 अक्टूबर 2017 से लेके 25 अक्टूबर 2017 तक ये दिखा रहा है हमें अकाउंट, ठीक है ना, और बोल रहा है कि पिछला 112 रुपये हमने इसके देने थे और 8400 रुपये का अभी जो ये हमने परचेज की बिल की एंट्री डाली, तो 8512 रुपये क्रेडिट खड़ा है, ये देखिए
क्रेडिट साइड है, ठीक है ना। बोलता है कि इतने रुपए हमने देने इसके हैं, तो आप क्या करेंगे? एक तो इस पे आपको डेट आनी चाहिए, डेट वगैरह पीरियड वगैरह सिलेक्ट करना आना चाहिए, तो उसको कैसे करेंगे? ऑल्ट F2, ठीक है ना, चेंज पीरियड आ गया, ठीक है। अब हमने तो 1/4/2017 से देखना है कि क्या उसका लेना देना क्या चल रहा है। तो यहाँ पे 1/4/17 लेना देने का मतलब, अगर हम किसी से कुछ गुड्स वगैरह खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात है, या तो उसको सामान जो खरीदा है उसको वापस दे देंगे कि भाई ये तेरा माल सही नहीं है, ये अपना वापस ले लो भाई, ये बिकेगा नहीं। एक तो ये रीज़न होता है, और दूसरा हो सकता है कि अगर उसको कोई कोई हमने बाई चेक किया, कैश से कोई पेमेंट की है, तो वो देखना होता है, तो उसके लिए वो भी देखना होता है। तो ये 1 अप्रैल 2017 से 25/10/2017 तक ये डेट सेलेक्ट हो गई, फिर एंटर करेंगे। हाँ, ये फिर वही दिक्कत आ गई ना इसमें, कौन से वाली, ये डेट नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ ये मेरे ख्याल से 2/10 करेगा एक्सेप्ट, ये पहले 2 दिन ही करते हैं ना, यही दिक्कत है इसमें एजुकेशनल में, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2017 से 2/10/2017 तक का इसने अकाउंट दिखा दिया। ये देखिए, दोनों हमने खरीदा है माल, परचेज किया है दोनों वाउचर में, वाउचर टाइप हमने जो परचेज वाउचर के थ्रू एंट्री डाली है, ये वाउचर नंबर आ गए, और कितने कितने रुपए के बिल थे, 112 का, 184 का, ये दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये देखिए, ये 8400 रुपये वाला जो बिल हम है, ये नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, और जो एक हमने 112 रुपये का माल खरीदा उससे, तो 112 वाला भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, 112 वाला भी आ गया। ओके, तो वीडियो बहुत लंबी होगी होगी, तो ये हो गया हमारा, हमने इसके इतने रुपए देने हैं क्रेडिट खड़े, क्रेडिट का मतलब देने हैं, ठीक है। ऐसे परचेज अकाउंट देखिए, ये नीचे परचेज अकाउंट है, इस पे फिर डेट ऑल्ट F2 करना है, 1/4 से 2/10 किया, फिर करना है एंटर, ठीक है। ये हमने सर्वेंट, ये अकाउंट या खाता किसका आ गया, परचेज का, सर्वेंट ट्रेडिंग से, सर्वेंट ट्रेडिंग से 2/7 को 2/10 को क्या किया, खरीदा है 100 रुपये का एक कुछ सामान खरीदा, एक 7500 रुपये का खरीदा, ठीक है। ऐसे ये डेबिट मतलब हमारे पास अभी 7600 रुपये का सामान पड़ा है, जिसे हम बेच सकते हैं, बेच के पैसे कमा सकते हैं। अब इसके अलावा एक और अकाउंट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, दो अकाउंट हो रहे हैं, वो है CGST, इसको फिर ऑल्ट F2 करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/7 से 2/10, ठीक है ना। CGST 2/7/2017 को सर्वेंट ट्रेडिंग से हमने कुछ खरीदा था, ठीक है ना, परचेज का मतलब सामान खरीदा था, गुड्स, वाउचर नंबर ये थे, उस पे से उसमें हमने एक तो 6 रुपये का टैक्स हमने दिया सर्वन ट्रेडिंग कंपनी को, कि ये ले भाई 6 रुपये ले ले जो टैक्स बनता है, और सरकार को जमा करा देना हमारा टैक्स, ठीक है। एक ये हो गया 450 रुपये का, ये भी यही है, बिल खोल के दिखाता हूँ ये आया कहाँ से, 6 रुपये एंटर किया, ठीक है ना। ये CGST, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स, ये देखिए 6 रुपये, ठीक है, 6 रुपये, ये 6 रुपये ये वाला हो गया, और ये 450 रुपये, ये देखिए CGST 450, ऐसे ही हो गया, ये 456 रुपये डेबिट खड़े हैं, ठीक है। डेबिट का मतलब लेने हैं, वाकई हमने ये पैसे लेने वाले ही है, ठीक है, डेबिट मतलब लेने हैं हमने। CGST हो गया। अब इसके बाद एक और अकाउंट हमारा इफेक्ट हुआ है SGST, इसको भी किया एंटर, इसको भी ऑल्ट F2 करेंगे, 1/7 से यहाँ पे लिखेंगे 2/10, फिर किया एंटर है, इसका भी सर्वन ट्रेडिंग से परचेज किया,
ये आ गया वाउचर नंबर 6 रुपये और 450 रुपये, ये ऐसे ही है ठीक है ना। अब SGST का अकाउंट है 6 रुपये, मतलब ये 6 रुपये जो वहाँ पे था वो SGST अकाउंट के लेजर में जाके पोस्ट हो गया, मतलब वहाँ पे आ गया। ये 450 वाला भी देखिए, SGST 6 रुपये 450, तो ठीक है ना। ये जो सर्वेंट ट्रेडिंग का परचेज की एंट्री की है हमने, एंट्रियाँ कहाँ कहाँ इफेक्ट होती है। सर्वेंट ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट में चला गया पूरा 8400 रुपये कि हमने इतने की पेमेंट करनी है ना। ये परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट में क्या होगा, ये जो 7500 रुपये है ये वहाँ पे चले जाएगा, 7500 रुपये परचेज अकाउंट में जाके डेबिट हो जाएगा। शरवन ट्रेडिंग कंपनी में ये 8400 रुपये क्रेडिट हो गया। तो उसके बाद CGST है, 450 रुपये CGST डेबिट हो जाएगा CGST के अकाउंट में। SGST 450 रुपये डेबिट हो जाएगा अकाउंट में, ये है ठीक है। अब ये टोमी फ्रेम है, टोमी फ्रेम में हमारे पास 5 हो जाएंगे, स्टॉक में 5 दिखाएगा ठीक है ना, ऐसे है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, तो जुड़े रहिएगा। अगर वाकई प्रैक्टिकली आपने अकाउंट सीखना है सीरियसली तो आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा, और वीडियो की लेंथ की परवाह मत कीजिएगा। अगर कुछ बनना है तो फिर तो सीखना पड़ेगा, बोरिंग हो या चाहे जो मर्जी हो। धन्यवाद।